नमस्कार, मैं हूँ शुभम बांटिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलाड़ पूर्व कासमबाग के इलाके में। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे कांदीवली पूर्व विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार अतुल भातलकर जी, जो लगातार दूसरी बार विधायक बनने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। सर, कासमबाग इलाके के यहाँ पे आपको इतना समर्थन मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इतना ही कहूँगा कि 5 बरस मोदी जी के सरकार ने जो विकास काम किए, साथ में देवेंद्र जी फडणवीस जी के भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने 5 बरस में मुंबई और महाराष्ट्र के जो विकास काम किए, साथ में 5 बरस मैंने कांदिवली पूर्व विधानसभा में जो अलग अलग विकास काम किए, लोगों से संपर्क बनाए रखा, इसका एक पोच पावती आज जनता इस प्रचार यात्रा के दरमियान दे रहे। आज के इस कासमबाग शांताराम पाड़ा के सभी रहवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही उत्स्फूर्त इस पद्धति से मेरा स्वागत किया। और सभी कार्यकर्ताओं को भी जो 2-2.5 घंटा रैली में मेरे साथ प्रचार किया, उन सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें और आने वाले समय की बात करें, तो ये क्या कह सकते हैं कि अगर आप जीत के आते हैं तो एक नए उत्साह और नई जोश के साथ आगे बढ़ेंगे? मुझे लगता है कि जिस पद्धति से जनसैलाब नामांकन पर्चा भरते समय भी उमड़ पड़ा, या प्रचार यात्रा के दौरान जिस पद्धति से लोग सामने से आकर मेरा स्वागत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 21 तारीख के चुनाव के बाद मैं 1 लाख से भी ज़्यादा मताधिक्यता से ये मतदार संघ से विजयी होऊंगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और आने वाले 5 बरस में जो अलग अलग काम को हमने प्रारंभ किया है उनका पूरा करेंगे, और मालाड पूर्व की जो समस्या है वो सभी समस्या जिनके निराकरण के लिए काम चालू किया है, कई काम पूरे हो गए, जो काम चालू है उनको भी हम समाप्त करेंगे और आने वाले दिन में मालाड पूर्व और बेहतरीन, सुंदर, स्वच्छ बनाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत भारत माता। जैसे कि आपने देखा, अतुल भातलकर जी ने साफ तौर पे जाहिर कर दिया है कि वो आने वाले चुनाव में 1 लाख वोट से भी ज़्यादा में जीत कर आने वाले हैं, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि काम बोलता है। कैमरामैन शेखर थापा के साथ संवाददाता शुभम बांठिया, खबर इंडिया, मुंबई। नहीं भाई, आज यहाँ कांदिवली पूर्व विधानसभा क्षेत्र का जो मध्यवर्ती चुनाव कार्यालय है उसका उद्घाटन शिवसेना के विभाग प्रमुख सुधाकर सुर्वे जी के शुभ हस्ते हुआ, साथ में महायुति के सभी पदाधिकारी, नगरसेवक, कार्यकर्ता, ये सभी उपस्थित थे। और जो प्रतिसाद आज लोगों ने दिया है, मुझे लगता है कि कांदिवली पूर्व विधानसभा से लेकर पूरे मुंबई में 36 के 36 जगह पर महायुति ये विजयी होगी। सर, आपके क्षेत्र में कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का आगमन हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, आदित्य योगीनाथ जी की एक भव्य जाहिर सभा हमने ठाकुर कॉम्प्लेक्स 90 फीट रोड में रखी है, लोगों में बहुत ही उत्साह है। एक उत्तर प्रदेश के यशस्वी कर्मठ इस प्रकार के मुख्यमंत्री है, उनके विचार सुनने के लिए सिर्फ कांदिवली पूर्व विधानसभा ने तो पूरे उत्तर मुंबई के लोग बड़ी तादाद में वहाँ उपस्थित होंगे। और मुझे लगता है कि जो भी विपक्ष के लोग बचे कुचे हैं 0.5%, वो भी कल के सभा के बाद पूरी तरह से समाप्त तो हो जाएंगे और महायुति 100% उत्तर मुंबई में विजयी हो जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से आप ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और जनता का समर्थन मिल रहा है, तो सर क्या ये जन सैलाब जो है वो वोट में तकलील होगा? 100% वोट में तकलील होगा। जन सैलाब का जो प्रतिसाद मेरे को मिल रहा है, मुझे लगता है 1 लाख से भी ज़्यादा वोट से मैं चुन के आऊँगा। भारत माता की।